हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट की। ऑलरेडी हम तीन स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था ग्रीक को, ग्रीक के बाद हमने रोमन को पढ़ा, रोमन के बाद हमने डार्क एज देखा, डार्क एज के बाद हमने देखा अरब ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन। उसी क्रम में आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, यानी जो जर्मनी था, जर्मनी के जो विद्वान थे उनका ज्योग्राफी के जो है डेवलपमेंट में, विकास में क्या योगदान था, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन, यानी जर्मन के विद्वानों के द्वारा जो भी योगदान दिया गया है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जर्मन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, इनॉर्मसली। यानी जो जर्मन विद्वान थे इन्होंने 18वीं से 19वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या दिया था, ज्योग्राफी के विकास में अपना योगदान दिया था, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन कैन बी डिवाइड इंटू थ्री फेजेस वेयर द जर्मन स्कॉलर्स लेड फाउंडेशन फॉर स्टेबलिंग ज्योग्राफी एज अ मॉडर्न साइंस, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो भी विद्वान हुए, ठीक है, उसको हम तीन भागों में बांट कर पढ़ने वाले, कितने भागों में, तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, जब उन्होंने ज्योग्राफी को क्या बताया, एक मॉडर्न साइंस के रूप में स्थापित किया, ठीक है। जिसमें पहले हम पढ़ेंगे प्री क्लासिकल पीरियड, क्या पढ़ेंगे, प्री क्लासिकल पीरियड। उसके बाद में उसको बांटा गया दूसरा द क्लासिकल पीरियड, और तीसरे में बांटा गया पोस्ट क्लासिकल पीरियड, ठीक है। क्योंकि जो जर्मन है, जर्मन जो स्कॉलर हैं उनका ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हुए। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में नहीं हुए, लेकिन जर्मन का जो योगदान है वो बहुत ही योगदान है, अभी हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो जो भी ज्योग्राफर हुए उनका एक एक कालखंड था, तो उसी को हम तीन भागों में बांट देते हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे कुछ विद्वान थे उनको हम प्री क्लासिकल पीरियड में देखेंगे, कुछ और विद्वान हुए उनको हम क्लासिकल पीरियड में देखेंगे, और जो बाद में विद्वान हुए उनको हम पोस्ट क्लासिकल पीरियड में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं पहले प्री क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से विद्वान आते हैं और उन्होंने अपना ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में क्या योगदान दिया, ठीक है। आइए देखते हैं प्री क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल पीरियड, प्री क्लासिकल पीरियड में जो सबसे बड़े विद्वान हुए वो है आपके इमैनुअल कांट। कौन हुए, इमैनुअल कांट, ठीक है। तो आइए कांट के बारे में जानते हैं। कांट को आर्म चेयर फिलोसोफर ज्योग्राफर बोला जाता है, यानी इनको आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है कि ज्योग्राफी में किसे आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता बोला जाता है, कौन सा दार्शनिक, क्योंकि ये पहले विद्वान थे इमैनुअल कांट जिन्होंने भूगोल को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया है। देखने का जो नजरिया होता है अपने किसी की वस्तु के बारे में उसी को उसका दर्शन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि ज्योग्राफी में पहले बार क्या किया था, उसको जो है दार्शनिक आधार प्रदान किया था, इनको दार्शनिक भूगोलवेत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट इनके बारे में हमें जानना है कि इनको आर्म चेयर फिलोसोफर ज्योग्राफर यानी आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ज्योग्राफी को उन्होंने कोरोग्राफी बोला, क्या बोला, कोरोग्राफी को, ज्योग्राफी को उन्होंने क्या बोला, कोरोग्राफी। ये भी बात आपको क्या करनी, याद रखनी है, ठीक है। और इनका जो मानना था, ये कहते थे कि जो ज्योग्राफी है उसमें किसका हम अध्ययन करते हैं, अर्थ का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वो मानव ग्रह के रूप में उसको अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने ये मानते थे कि थोड़ा सा ये नियतवादी थे, ठीक है, कौन, आपके इमैनुअल कांट। तो ये कहते थे कि ज्योग्राफी में हम भूगोल का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी का अध्ययन करते हैं जो भूगोल में, तो उसको किसके रूप में करना चाहिए, पृथ्वी को मानव के गृह के रूप में करना चाहिए, कि पृथ्वी क्या है, मानव का एक प्रकार से घर है, क्योंकि सब कुछ जो कार्य है अपना संचालित संपादित करता है मनुष्य, वो कहाँ पे करता है, पृथ्वी पे करता है। इसलिए पृथ्वी को क्या देते हैं, भूगोल में इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। पृथ्वी कहने का सेंस पूरे इन्वायरमेंट को, नेचर को, यानी नेचर को क्या करते थे,
थोड़ा सा डोमिनेंट मानते थे मैन के ऊपर, इसलिए नेतवादी भी इनको क्या बोला जाता है। तो इतनी बातें आपको इमैनुअल कांट के बारे में जाननी थी, ठीक है। बातें तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन बातें आपको जाननी है। कोरियोग्राफी इन्होंने बताया, इन्हें जो है आराम कुर्सी वाला भूगोल वक्ता भी कहा जाता है। और अगर ये कोटेशन दे देता है एग्जाम में आपको कि किसने कहा था ये बात कि जो है भूगोल है, भूगोल में जो हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसको मानव ग्रह के रूप में करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। और भी विद्वान हुए प्री क्लासिकल पीरियड में, लेकिन उनका नाम आपको जान लेना बहुत जरूरी है, बस उनके कार्यों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। देख लेते हैं, बुआसे, क्या नाम था इनका, बुआसे। इन्होंने पुस्तक लिखी है रेन जियोग्राफी, यानी शुद्ध भूगोल इसको हिंदी में बोलते हैं, बट आप लोग रेन जियोग्राफी के नाम से जानिए। तो कभी पूछ लेता है कि बुआसे ने किस पुस्तक की रचना की, तो किस पुस्तक की रचना की, रेन जियोग्राफी। एक और विद्वान हुए गेटरर, कौन थे, गेटरर, ठीक है। ये भी विद्वान हुए, ये भी क्यों, इनको कहाँ रखा जाता है, इनको प्री क्लासिकल पीरियड में रखा जाता है। तो प्री क्लासिकल पीरियड में इन तीन विद्वान को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और इनके कार्य को ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं क्लासिकल पीरियड, ठीक है। क्लासिकल पीरियड, तो क्लासिकल पीरियड क्या है, जो टाइम था हम्बोल्ट और रिटर, हम्बोल्ट और रिटर बहुत बड़े जियोग्राफर हुए, ठीक है, भूगोल में जर्मनी के थे दोनों। तो जो ये जो दोनों ये हम्बोल्ट और रिटर का काल था, ठीक है, हम्बोल्ट का जन्म जो हुआ और 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो रिटर महोदय थे इनसे 10 साल छोटे थे, इनका जन्म हुआ था 1779 में। लेकिन जो दोनों की मृत्यु हुई, देखिए ये संयोग की बात है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुए और दोनों की मृत्यु हुई 1859 में। तो 1769 से लेकर 1859 का जो पीरियड है इसको हम्बोल्ट और रिटर को समर्पित और इस काल को बोला गया क्लासिकल पीरियड या हम्बोल्ट और रिटर का काल, क्योंकि इस काल में ऐसा माना जाता था नहीं पका और इन्होंने ज्योग्राफी के कंट्रीब्यूशन में कह दिया बहुत बड़ा योगदान दिया, इसीलिए इनके जो है इन्हीं के उसमें स्मरण में क्या कर दिया गया, इस काल को किस नाम से जाना गया, क्लासिकल पीरियड या हम्बोल्ट और रिटर के पीरियड के नाम से जाना गया। तो इतने बड़े ज्योग्राफर हैं हम्बोल्ट, चलिए आइए देखते हैं कि इनका योगदान क्या है। और ये भी जानिए कि आधुनिक भूगोल का जो जन्मदाता माना जाता है वो हम्बोल्ट और रिटर को ही माना जाता है, यानी क्लास जो आपका मॉडर्न ज्योग्राफी है इसका फादर अगर पूछा जाएगा ज्योग्राफी के, तो फादर आपके रेटोस्थनीज ही रहेंगे, मानव भूगोल के पिता आपके कौन रहेंगे, रेटजल रहेंगे। लेकिन आधुनिक आधुनिक जो मानव भूगोल है, ठीक है, आधुनिक ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसके जो पिता माने जाते हैं मानव भूगोल के आधुनिक, वो माने जाते हैं आपके हम्बोल्ट और रिटर, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि कितना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलिए देखते हैं हम्बोल्ट के बारे में। हम्बोल्ट ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मस, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके पहले आपने कॉस्मस कहाँ सुना था और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉस्मस ये कितने खंडों में विभाजित थी, ये 5 खंडों में आई थी, कितने खंडों में, 5 खंडों में, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। जो दूसरी इनकी महत्वपूर्ण कृति थी वो था व्यूज ऑन नेचर, ठीक है, यानी नेचर का दृश्य, ठीक है, यानी व्यूज ऑन नेचर इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। हम्बोल्ट क्या कि हम्बोल्ट ने जो कॉस्मोग्राफी था, ठीक है, जो ब्रह्मा इन्होंने कॉस्मोग्राफी एक टर्म दिया, ठीक है, इससे पहले कॉस्मोग्राफी नाम का कोई टर्म नहीं था, तो इन्होंने एक टर्म दिया कॉस्मोग्राफी, जो बाद में खुद इन्होंने इसको विभाजित करके दो भागों में बांट दिया, जिसमें एक का नाम रख दिया इरोनोग्राफी और दूसरे का नाम रख दिया जियोग्राफी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस विद्वान ने कॉस्मोग्राफी को दो भागों में बांट दिया, इरोनोग्राफी और जियोग्राफी में। तो इसको याद करना है किसके नाम से, हम्बोल्ट के नाम से, ठीक है। हम्बोल्ट के बारे में आइए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, क्योंकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हम्बोल्ट एक खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक है, खोजी प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि ये जो है चीजों को एक्सप्लोर करते रहते थे और बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति ये क्या थे, ठीक है, ये यूरोप से इन्होंने यात्रा आरंभ की और ये साउथ अमेरिका गए। साउथ अमेरिका जब ये गए तो वहां पर इनको एक दोस्त नाम था बोन प्लांट, ठीक है, बोन प्लांट वास्तव में एक वनस्पति शास्त्री थे, इनको वनस्पतियों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था, तो उसको इन्होंने अपने साथ लिया और पूरे साउथ अमेरिका का इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से स्टडी किया, खासकर जो आपका जो
पेरू के तट वाला यानी जो आपके जहां पर एंडीज पर्वत है उस एरिया को अच्छे से इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया। और इन्होंने ही सर्वप्रथम हम्बोल्ट महोदयिनी पेरू के जो पश्चिम साइड है, ठीक है, वहां पर एक जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, जिसका नाम है पेरू की जलधारा, उसकी खोज इन्होंने ही की थी, इसलिए कभी कभी उसको हम लोग हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी पुकारते हैं। वहां चलने के बाद ये एंडीज पर्वत पे गए, वहां पर इन्होंने तरह तरह की वनस्पतियों को देखा, ठीक है, वहां पर एक ज्वालामुखी है, चिम्बराइजर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के, ठीक है, जो कि मृत प्राय हो गया है, तो उसके क्रेटर में ये घुसे और वहां से लावा के जो है कुछ अवशेष लिए, उसके बारे में रिसर्च की। इन्होंने देखा कि जब ये धरती पे थे तो वायु दाब जो है ज्यादा था, जब ये उस जो है एंडीज पर्वत पे गए तो वायु दाब इनको बहुत ही कम मिला, इससे इन्होंने अनुमान लगाया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु दाब घटता जाता है, ठीक है। इन्होंने देखा कि धरातल के जो निचले भाग पे वनस्पतियों का प्रकार अलग है और जब ये वहां पर गए पर्वत पे तो वनस्पतियों का प्रभाव अलग था, तो इन्होंने संबंध स्थापित किया, जो वनस्पतियां होती हैं वो अपने जलवायु का क्या होती है, परचायक होती है, यानी जैसे जैसे जलवायु चेंज होती है वैसे वैसे वनस्पतियां मिट्टी ये सारे क्या हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तापमान में भी इन्होंने काफी भिन्नता देखी, नीचे तापमान कम या ज्यादा था, ऊपर गए तो इनको तापमान में काफी वेरिएशन मिला। तो ये सब चीजें इन्होंने क्या की थी, स्वयं अनुभव की थी, ठीक है, क्या की थी, स्वयं अनुभव की थी, और सारी चीजों के बारे में बाद में क्या किया, इसी सारी चीजों को पूरे वर्ल्ड पे लागू किया और क्या हुआ कि ज्योग्राफी में लगातार इनका योगदान रहा। ये सारे डिटेल आपको जानने थे कि ये कहां से कहां तक यात्रा है, कि लगभग इन्होंने अपने जीवन में, ठीक है, लगभग 64,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा की पेरुकरण को, जैसा कि भी हमने आपको बताया कि पेरुकरण को भी इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि पनामा को क्या करना चाहिए, नहर बनाना चाहिए ताकि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से क्या हो सके, जुड़ सके। तो ये पहले विद्वान थे, इन्होंने ही क्या किया था, पनामा कैनाल बनाने का क्या किया था, सजेशन दिया था, सुझाव दिया था, ठीक है। इन्होंने ही परमाप्राट शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था, ये भी एग्जाम में यूजीसी में कई बार पूछा जा चुका है और आपको भी क्या करना है, याद रखना है कि किसका प्रयोग किया था। परमाप्राश जब आएगा तब आपको लगाना है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और पेरिग्लेशियर को लगा लेते हैं, लेकिन पेरिग्लेशियर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, बल्कि उसके जो शब्द के जो प्रयोगकर्ता है वो कौन थे, लुजिंस्की थे। कौन थे, लुजिंस्की थे, ठीक है। प्रोफेसर सविन सिंह सर की किताब में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है जियोमॉर्फोलॉजी में कि जो पेरिग्लेशियर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लुजिंस्की ने किया था, और परमाप्राश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हम्बोल्ट महोदय ने किया था। ये प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की किताब में आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी जो शब्द है उसका भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग हम्बोल्ट ने किया था। तो आप देख सकते हैं कि हम्बोल्ट ने कितना सारा कार्य किया है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ये क्या थे, ज्योग्राफर थे, ठीक है। तो जो जो ये क्लाइमेटोलॉजी वर्ड है यानी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, हम्बोल्ट महोदय ने किया था, ठीक है। कंसेप्ट देते थे यूनिटी ऑफ नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर का मतलब ये हुआ कि जो भी नेचर में चीजें हैं उसमें वो क्या है, मानव से अंतर संबंधित है, मानव प्रभावित होता है, जैसे जलवायु होता है वैसे मानव का रहन सहन होता है, यानी जो प्रकृति है और जो मानवीय तत्व है उसको हमें अलग अलग रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से अंतर संबंधित रूप में क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि मानव प्रकृति से ना तो भिन्न है ना तो अलग है और न प्रकृति क्या है, मानव से भिन्न है, इसलिए दोनों के क्या करना चाहिए, अंतर संबंध को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। यही बात इन्होंने यूनिटी ऑफ नेचर में बताई है, ठीक है। इन्होंने एक 7-डाइमेंशनल कॉन्सेप्ट दिया था यानी 7-पक्षीय सिद्धांत। अगर ऐसा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 7-पक्षीय सिद्धांत दिया था, तो उत्तर क्या आपका होगा, हम्बोल्ट होगा, ये भी आपको याद रखना। अब आइए हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की थी किसी चीज को बताने के लिए, किसी चीज को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपीरिकल मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज किया था। इंपीरिकल का मतलब होता है अनुभवात्मक, यानी ये जो भी चीजें बताते थे ऐसे हवाबाजी में नहीं बता देते थे, जो भी चीजें इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, अनुभव किया था, ठीक है, उसी को क्या करते थे, बताते थे। इसलिए जो इनकी विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, इंपीरिकल विधि मानी जाती है, अध्ययन की कौन सी विधि, इंपीरिकल विधि मानी जाती है। दूसरी विधि ये प्रयोग करते थे सिस्टमैटिक विधि। सिस्टमैटिक विधि क्या होता है,
देखिए जैसे आप जब रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम जो ज्योग्राफी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट, आप रिलीफ से शुरू करते हैं, पहला रिलीफ पढ़ते हैं, रिलीफ पढ़ने के बाद आप पढ़ते हैं जो भी ड्रेनेज पढ़ते हैं, ठीक है, क्लाइमेट पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं, वेजिटेशन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते इंडस्ट्री पढ़ते हैं और लास्ट में पॉपुलेशन तक आते हैं। तो ये सब ज्योग्राफी में क्या है, रीजनल ज्योग्राफी के एलिमेंट हैं। तो ये क्या करते थे, ये सिस्टमेटिक स्टडी में विश्वास करते थे, यानी किसी भी क्षेत्र का जो अध्ययन करना है उस क्षेत्र का एरिया कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता है। ये कहते थे जो भी अभी आपको मैंने तत्व बताया कि पहले हम रिलीफ का स्टडी करना चाहिए, रिलीफ के बाद आपको पढ़ना चाहिए ड्रेनेज का, क्लाइमेट का, ये जो सिक्वेंस होता है इसको ये क्या देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। और इस तरह के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक स्टडी। क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक स्टडी, यानी ये अध्ययन में क्षेत्र में विश्वास नहीं करते थे बल्कि टॉपिक में विश्वास करते थे, प्रकरण में विश्वास करते थे। टॉपिक क्या है आपका, यही रिलीफ, ड्रेनेज, क्लाइमेट और लास्ट में आपका पॉपुलेशन तक, ठीक है। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक मैथड। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक मैथड। तो सिस्टमैटिक मैथड में क्या इंपॉर्टेंट है, टॉपिक प्रधान होता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ना कि रीजन। रीजन कितना भी बड़ा हो, ये कहते थे अध्ययन ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। और ये इनकी एक विधि थी कंपैरेटिव विधि। कंपैरेटिव विधि में क्या होता है, कंपैरेटिव विधि में रीजनों को तुलना करके देखते थे, क्या करके, तुलना करके। आगे जो ये विधि अपनाते थे, इंडक्टिव मेथड अपनाते थे। क्या अपनाते थे, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक। आगमनात्मक क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं कि कुछ उदाहरण देते हैं, छोटे छोटे उदाहरण देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, छोटे छोटे उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण उदाहरण से एक सिद्धांत या नियम बनाते हैं। तो उस विधि को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव विधि बोलते हैं या आगमनात्मक जो है विधि बोलते हैं। जैसे टीचिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, टीचिंग कर रहे हैं, आप बच्चों को उदाहरण बताया कि देखिए ये क्या है, ठीक है, ये दीक्षा है, ये रेणु है, ठीक है, ये पुस्तक है, ये किताब है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, आपने इतने एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद बच्चों को बताया कि अब लिखिए नाउन की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, यानी किसी के नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है। तो आपने पहले बच्चों को क्या कहा, बच्चों को छोटे से उदाहरण दिया, छोटे से उदाहरण से आपने क्या बना दिया, एक नियम बना दिया। तो उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाता है इंडक्टिव मेथड। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक विधि। तो ये भी जितने भी आपको आए गए हैं किसके बारे में, हम्बोल्ट जी के बारे में, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको हम्बोल्ट के बारे में याद रखनी है। उसके बाद आते हैं रिटर महोदय। कौन, रिटर महोदय। रिटर महोदय का जन्म 1779 में होता है, हम्बोल्ट बड़े थे, रिटर 10 साल छोटे थे और दोनों की मृत्यु 1859 में हो जाती है, ठीक है। 1859 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या हुआ था। 1859 में एक बहुत बड़ी किताब लिखी जाती है जिसने पूरे विश्व में क्रांति ला दी थी, बहुत बड़ा नियम दिया जाता है, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि ऐसा क्या हुआ था उस घटना को, जो भी जानता हो वो कमेंट करेगा, ठीक है, उसको जो भी बताएगा सही सही उसको हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, बहुत अच्छा गिफ्ट, ठीक है, बाद में बताया जाएगा आपको, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आइए रिटर महोदय के बारे में जानकारी लेते हैं। रिटर महोदय, इनकी पुस्तक है अर्धकुंडे। क्या है, अर्धकुंडे। और अर्धकुंडे कितने हैं, 19 वॉल्यूम में, 19 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण कृति है वो है लैंडर कुंडे, एक प्रकार का रीजनल जियोग्राफी था, तो आपको लैंडर कुंडे के नाम से भी जानना है, ठीक है। को एक उपनाम से जाना जाता है, आर्म चेयर जियोग्राफर। किस नाम से जाना जाता है, आर्म चेयर जियोग्राफर, यानी आराम कुर्सी वाला भूगोलविद्या, क्योंकि ज्यादा ये क्या करते थे, जो है यात्रा नहीं करते थे, ये बैठे बैठे काम करते थे, ज्यादा ये खोजते नहीं थे चीजों को, जो भी रिसर्च करते थे, ठीक है, उसमें ज्यादा ये यात्रा नहीं करते थे बल्कि बहुत ही कम यात्रा करके रिसर्च करते थे। तो जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, ठीक है, अभी प्री क्लासिकल पीरियड में, कि जो कांट महोदय हैं, कांट को बोला जाता है जो आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता। क्या बोला जाता है, वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता बोला जाता है। और उसी प्रकार से जो आपके रिटर महोदय हैं, इनको बोला जाता है आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दार्शनिक शब्द लग गया तो आपका आंसर कांट होगा, अगर आपका लग गया कौन सा, आपका लग गया
केवल, तो ये जो है आराम कुर्सी वाला दार्शनिक नहीं लगाया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए हमेशा, आपका आंसर होना चाहिए हमेशा कौन सा, ये आपके रिटर्न महोदय। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। रिटर्न महोदय जो है ये थियोलॉजिकल अप्रोच दिए थे। थियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है, ठीक है, ईश्वरवादीय जो है उपागम, ये ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। ईश्वरवाद में विश्वास इस तरह करते थे, ये कहते थे कि जो ईश्वर है, ठीक है, ये ईश्वर में विश्वास करते थे क्योंकि ये मानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक उद्देश्य के तहत हो रहा है। धरती पे जो कुछ बनाई गई है उसका पीछे एक उद्देश्य है, ठीक है, इसीलिए जो ये पृथ्वी बनाया गया है उसके पीछे भी उद्देश्य है। और इस पृथ्वी, जो इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई गई है, ये संसार जो एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो किसकी देन है, वो ईश्वर की देन है, अर्थात इनके ऊपर कुछ ना कुछ ईश्वरीय प्रभाव था। ठीक है, ये ईश्वर में विश्वास करते थे और इन्होंने इसको ज्योग्राफी में लाया। इन्होंने जब इनसे पूछा गया तो ये सबसे यही क्वेश्चन पूछते थे कि आप लोग बताइए कि पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एक अनोखी ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, तो ऐसा केवल इसलिए संभव पाया क्योंकि इसको ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, इसलिए इन्हें थियोलॉजिकल अप्रोच का प्रतिपादक भी माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कुछ लोग बोलते हैं। किसको, रिटर को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो इनका अप्रोच था स्टडी करने का वो था रीजनल था। क्या था, रीजनल अप्रोच था इनका स्टडी करने का। ये भी बात आप लोग जानिए। ठीक है, कि जो हम्बोल्ट महोदय थे वो सिस्टमेटिक स्टडी में विश्वास करते थे, और ये किस मेथड में विश्वास करते थे, ये विश्वास करते थे रीजनल रीजनल मेथड में। रीजनल में क्या होता है, हमने सिस्टमेटिक में देखा था टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, रीजन नहीं मैटर करता है। वो फिर रीजनल ज्योग्राफी में रीजन इंपॉर्टेंट मैटर होता है, है वो इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट होता। यानी आपको कहा जाए भारत का अध्ययन करता है तो भारत को ये क्या करते थे, छोटे छोटे भागों में बांट देते थे। छोटे छोटे भागों में बांट कर जो भी टॉपिक होता था आपको बताया गया, रिलीफ से लेकर पॉपुलेशन तक, उसकी स्टडी करनी है। तो टॉपिक को इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, बल्कि किसको इंपॉर्टेंट देते थे, रीजन को इंपॉर्टेंट देते थे। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, और इनका दूसरा मेथड क्या था, डिडक्टिव मेथड था। जैसे हमने अभी इंडक्टिव पढ़ा, इंडक्टिव किसका था, हम्बोल्ट महोदय का, तो इनका डिडक्टिव था। डिडक्टिव जस्ट इंडक्टिव का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें पहले कुछ उदाहरण दिए जाते थे उसके बाद नियम बनाए जाते थे। इसमें पहले से नियम बना के तब क्या दिया जाता था, उदाहरण दिया जाता था। ठीक है, और ये भी क्या करते थे, इंपेरिकल मेथड को अपनाते थे, साथ साथ ही कंपरेटिव मेथड को भी अपनाते थे। तो आपको के बारे में पूरी जानकारी जाननी है और के बारे में इनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, ये भी आपको जानना है। तो अब आप लोग जान सकते हैं कि क्या क्या समानताएं थी, जैसे दोनों का मेथोडोलॉजी ये सेम था। असमानताएं क्या थी, वो इंडक्टिव थे, वो सिस्टमेटिक मानते थे, रीजनल अप्रोच को मानते थे, वो घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे और ये आराम करने वाले व्यक्ति थे। इतनी जानकारी आपको चाहिए थी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लासिकल पीरियड। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड के बारे में। किसके बारे में, पोस्ट क्लासिकल पीरियड के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक देखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोस्ट क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से जर्मन ज्योग्राफर आते हैं और उनका योगदान क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।